पूरे दुनिया ने 12 जनवरी 98 का दृश्य देखा, जब दिग्विजय सिंह ने मेरी हत्या का षड्यंत्र करके गोली चालन कराया और उसमें 24 किसान शहीद हुए, 150 किसानों को गोली लगी और सब तरफ से देश की बात उठी। लेकिन 66 मुकदमे हम पर दर्ज किए गए और 14 साल से वो मुकदमे लगातार हमारे ऊपर चलाए। हमने देखा कि फर्जी मुकदमे बने, फर्जी गवाहियां हुई और कुल मिलाकर के 14 साल से किसान चक्कर काट रहे हैं और आज हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम मानते हैं कि न्याय मिलेगा और ना केवल हम किसानों को न्याय मिलेगा बल्कि जिन लोगों ने गोली चालन किया है उन को गोली मारने वाले षड्यंत्र करने वालों के ऊपर आज FIR दर्ज करने का जरूर निर्देश माननीय न्यायालय की ओर से होगा। मुलताई तहसील परिसर में किसान संघर्ष समिति द्वारा यह आंदोलन किया गया, उसका नेतृत्व डॉक्टर सुनीलम कर रहे थे। उसमें आज माननीय न्यायालय श्री SC उपाध्याय साहब मुलताई द्वारा उनको 302 हत्या, 307/34 हत्या का प्रयास और 307/34 में दोषी ठहराया गया और आज उनको जेल भेज दी गया। किसको दोषी पाया गया है इसमें? डॉक्टर सुनीलम, प्रहलाद और शेषू उर्फ शेषराव को। मुलताई दक्षिणी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का एक छोटा शहर है जो करीब 450 गांव की तहसील है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या मजदूरी करके जीवन गुजारते हैं। मुलताई पवित्र तापी नदी का उद्गम स्थल है और इसीलिए मुलताई को मुलतापी भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री किसानों की त्रासदी पर केंद्रित है। लगातार अतिवृष्टि के चलते मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह मुलताई में भी किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। गेहूं काला पड़ गया था, किसानों के साथ साथ जानवर भी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, कर्जा बढ़ गया था, चारों ओर बीमारी का आलम था। नष्ट हुई फसलों का मुआवजा पाने, फसल बीमा के भुगतान, कर्जा माफी, बिजली बिल माफी, अनावारी तय करने की इकाई बदलने, गेरवा रोग को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की मांग गांव-गांव से उठ रही थी। इन मांगों को पूरा करना तो दूर, नेता, अधिकारी और सरकार के लोग सुनने तक को तैयार नहीं थे। निराशा के इस वातावरण में किसानों ने आत्महत्या करने की बजाय संघर्ष करने का रास्ता चुना। सभी पार्टियों को दरकिनार कर अपना संगठन बनाया और जोरदार संघर्ष की शुरुआत कर दी। अरे मिट गई रे सब माटी में किसानी, हाय हाय रे सब माटी में किसानी, मिट गई रे सब माटी में किसानी, हाय हाय रे सब माटी। फसल पूरी खराब हो गई। हाँ, गेहूँ भी गयो, सोयाबीन भी गई। हाँ, और सरकार से अपन कई मदद मांगन की चल रही है। हाँ, जानवरों को भूसा नहीं है खिलाने के लिए, ये नहीं है, काश्तकारों के पास काश्तकारों पे दुनिया भर का कर्ज पड़ा है, काय नहीं चुकाना, बिजली माफ होना चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए। सरकार सुने जब तो सब कर दिया, सब तो बहरे हो गए, आजकल उपाय तक पहुँच गए, आवेदन दे। सरकार सुनते ना, संसद सुनता ना, विधायक सुनता, कहे किसको? कोई फसल बीमा मिलता नहीं है, फसल तो खराब हो चुकी है। काश्तकार आज जहर खाने को मजबूर है, क्या करेंगे? साधन नहीं तो क्या करेंगे? अब एक एक दो मिल के जाते हैं तो हम हर गांव वाले जाएंगे तो सब संकट तो सब आया। नहीं तो संगठन बना के जाएंगे, क्यों नहीं सुने? हर गांव वाले मिल के जाएंगे, महिला है, बच्चे है, सबका इकट्ठा संगठन बना के जाएंगे। कंटिन्यू बारिश होती है और उसके बाद धूप नहीं निकलती है, तो धूप नहीं निकलने के बाद एक गेरुआ बीमारी होती है, इसकी डिसीज होती है, तो वो हो जाती है, तो उससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां पीली पड़ने से जो है वो उसको प्रॉपर पौधों को भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो फसल फिर ना फूल आते हैं ना फूल जाती है। तो वैसे 3 साल से खराब होते आ रही है, लेकिन 2 साल तो एक एक फसल, कभी रबी तो कभी खरीफ, लेकिन उस साल दोनों फसल, चाहे रबी और खरीफ दोनों फसल सड़ गई थी खेतों में।
खिलानों में अनाज सड़ गया था। तो किसान आंदोलन इस वजह से हुआ कि भाई अब शासन से कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि किसी जमाने में हमने जब दूसरी जगह आपदा हुई थी तो किसानों ने हमसे लेवी के स्वरूप में गेहूं लिया था और लेवी ली थी किसानों से सरकार ने, तो हमने कहा आज अपने पे पड़ी है तो आज अपन भी सरकार से मांगो। किसान आंदोलित हुआ, जब आंदोलित हुआ तो जहां वहां भटके, तहसीलदार के पास में, SDM के पास में, कलेक्टर के पास में, कोई सुनाई नहीं हुई। अपनी लड़ाई अपन खुद अपनी लड़ाई अपन किसान लड़ी। हाँ भैया सुनो तो, नरत्ता लाज में डॉक्टर सुनील नाम को कोई आदमी आयो है का, तो उसके पास चला का अपन। पहले अपनों कार्यक्रम कर ले, फिर सुनीलम का भी बुला ले, वो अपने का मदद करे थे ठीक। न्यू शहर को रहने वालों का विश्वास नहीं है। मन पूछ तो ली अपन एक बोली। हमने उसमें तारीख डाल दी थी कि भाई 25 तारीख तक हमारी सुनाई करना चाहिए, नहीं तो हम कुछ इसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो इसके बाद में हमको खबर मिली सुनीलम साहब की कि सुनीलम साहब नर्मदा लाज में आए हैं, वो बैठे हैं। तो फिर हम उनके पास में गए, उनके पास जाकर के हमारी सारी हकीकत हमने उनसे बताई। ग्वालियर के अंदर मैं पला पड़ा हूँ। ग्वालियर के अंदर से ही मैंने BSc किया और इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने वहाँ से MSc अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स किया और फिर दिल्ली मैं था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने PhD किया। फिर मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया में बर्न्स इंस्टीट्यूट में मैं वहाँ पर था। वहाँ पर मुझको ऐसा लगा कि जो रिसर्च हम बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर रहे हैं वो पूरी रिसर्च केवल मल्टीनेशनल्स की प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम आएगी और उसका उपयोग, क्योंकि बहुत करोड़ों रुपया उस रिसर्च में खर्च होता है और उसका इस्तेमाल आम आदमी तक पहुंचने में बहुत कई दशक लग जाते हैं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में, इसलिए मैंने छोड़ दिया मेलबोर्न, मैं लौट के आया। मैं मुल्ताई में जनता दल का एक प्रशिक्षण शिविर लेने के लिए नर्मदा लॉज में आया था। वहाँ पर मेरे पास में परमंडल गांव के किसान आए और उन्होंने कहा कि हमारी फसलें बहुत ख़राब हुई हैं और हमने कलेक्टर को लिख करके दे दिया है कि हम 25 दिसंबर से आंदोलन करेंगे, तो आप हमारी इसमें मदद करिए। मैंने उन्हें बताया कि मेरा प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम जो है 2 दिन का है और मेरे को वापस जाना है दिल्ली, मेरा रिजर्वेशन है। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया मुझसे, कहा कि बहुत ख़राब हालत है किसानों की और आपको मदद करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रुक गया, मैं आसपास के गाँव में गया, लोगों को बताया कि 25 दिसंबर को हमने एक मीटिंग बुलाई है और उसमें आंदोलन के बारे में तय करेंगे। वो मीटिंग हमने बुलाई थी इस अपेक्षा के साथ में कि उसके अंदर 100-200 लोग आएंगे, लेकिन उसमें 5,000 किसान पहुंचे। बैठने की जगह नर्मदा लॉज में नहीं थी, इसलिए हम लोग सामने चले गए तहसील परिसर के अंदर बैठे। तहसील परिसर के अंदर बैठ करके 5,000 लोगों ने किसान संघर्ष समिति के गठन का हम लोगों ने जो है वो तय किया। सब ने बताया कि किस तरीके से किसान भटक रहा है, SP के कलेक्टर के पास में गए हैं, अधिकारियों के पास में गए हैं, विधायक और सांसद के पास में गए हैं, लेकिन कोई उनको मदद करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए सभी लोगों ने कहा कि हम अपना अपना पार्टियां छोड़ते हैं और एक किसानों का अपना संगठन बनाते हैं और उसका नाम भी किसान संघर्ष समिति रखा। फसलों की तबाही है। और 25 दिसंबर 1997 से मुल्ताई तहसील के सामने धरना शुरू किया। तहसील के 400 गांव के किसान लगातार यहां हजारों की संख्या में आए, धरने में शामिल हुए। तो हमने 13 दिन धरना दिया मुल्ताई तहसील के प्रांगण में,
धरना दिया तो उस धरने के अंदर 13 दिन धरना, 13वें दिन में हमारा तंबू तोड़ दिया किसानों का पुलिस ने। आधी रात में पुलिस आई, जेल मंत्री रामजी महाजन जी थे उस टाइम में, उनने पुलिस पलटन भेजी, तंबू तुड़वा दिया, किसानों को मार के भगा दिया। किसानों के पास में जो राशन के लिए पैसा धेला लेके गए थे, सुबह राशन लेके आएंगे, रात भर तंबू में बैठे, वो पैसे देले भी सब पुलिसों ने छुड़ा लिए और मार के भगा दिए वहाँ से। मुझको पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी, परमंडल में वो गए मुझे गिरफ्तार करने के लिए, रैली नहीं निकालने देना चाहते थे। कम से कम हजारों ट्रैक्टर थे, 5-10 बस थी और ये अपने मेटाडोन 5-25 ये भी रहे होंगे। तो 4 किलोमीटर में हमारी रैली में इधर से उधर आड़ा आदमी कोई नहीं लग सकता, ऐसी हमारी रैली जम के गई। हमारी रैली में जाने से थाने वाले ने हमें रोका कि आप मत जाओ, तो हम नहीं माने, हमने कहा नहीं हम रैली लेके जाएंगे। तो फिर वो भी हमारे साथ में हमारे साथ साथ गए, हमारे साथ वहाँ फिर वो रहे। इसी के लिए पूरे गांव-गांव के लोग एकत्रित होकर, यह बैतूल जिले का पुलिस ग्राउंड है बैतूल का, और यहीं पर हम 80,000 किसान जमा हुए थे और कलेक्टर को मुआवजा मांगने के लिए हम यहाँ पर आए थे। कलेक्टर साहब नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे? हमारे पेट भरने के लिए आए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ढोर के लिए चारा नहीं है, हम करेंगे क्या? तो फिर कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर साहब ने आकर के हमारे सब बात सुनी और ने कहा हम इसका इंतजाम करवाएंगे, हम इसका इंतजाम करवाएंगे। तो ने कहा कि हम 12 तारीख को मुलतई आएंगे और इन बात का सबका हम निराकरण आपको बताएंगे। सब कलेक्टर ने कहा था कि आपका गेरवा रोग प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है, मैं आपको आपके मन मुताबिक मुआवजा नहीं दे पाऊंगा। तब पूरे पब्लिक ने उस चीज़ को इनकार किया कि हमको 400 नहीं 5,000 रुपये मुआवजा चाहिए, हमारी दोनों फसलें डूब गई है। किसान 5,000 रुपये एकड़ मांग रहे थे, इसलिए मांग रहे थे क्योंकि 3 साल की फसलें खराब हुई थी। हमारा एक सिद्धांत था कि जो लागत का दाम से हमको दुगना मिलना चाहिए, जो इनपुट कॉस्ट आती है, मतलब जो बीज का, खाद का, कीटनाशक का, जो मेहनत जो लगती है किसान की प्रति एकड़, उससे दुगना पैसा कम से कम हमको मिलना चाहिए मुआवजे का। तो जो कुल हमारे को जिस तरीके से सब किसानों ने बैठ कर तय किया कि लगभग 2,500 रुपये प्रति एकड़ का हमारी लागत आई है, जब शासन ने कहा कि सरकार की तरफ से फैसला है, तो हमने कहा कि मामला प्रशासन का नहीं, प्रशासन तो केवल एक पोस्टमैन का काम करेगा, किसान जो कह रहे हैं वो उनको बताएगा। तो हमने कहा कि आप अपने अनुशंसा के साथ में उन्हें बता दीजिए कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हमारा जारी रहा एक सूरज उगने से और डूबने तक का, एक बंद का आह्वान किया किसानों ने, और उसमें गांव के अंदर बैलगाड़ी भी नहीं चली, साइकिल भी नहीं चली, पूरा क्षेत्र स्टैंड स्टिल था, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। 11 जनवरी को जब मैं आंदोलन स्थल पर आ रहा था परमंडल से, तो ये थाने के जो पुलिसकर्मी हैं मुझे और मेरे साथियों को उठा कर ले आए। पुलिस वालों से पूछा मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उन्होंने मुझे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। 10 बजे तक यहाँ पर मुझे टॉर्चर किया गया। एसपी ने मुझे बदतमीजी से कहा कि बहुत बड़ा तू नेता बन गया है, नंगा करके तुझे पीटा जाएगा तब ठीक रहेगा, बता सुनीलम कहाँ है। फिर एक कमरे में लॉकअप में बैठा दिया। एडिशनल कलेक्टर मिस्टर अवस्थी मेरे पास आए और उन्होंने कहा, अनिरुद्ध मैं, मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। मैंने उन्हें एडिशनल कलेक्टर से कहा कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो हमें, हमारे सभी साथियों को, चारों को छोड़िए। तो एडिशनल कलेक्टर ने कहा मैं एसपी से बात करता हूँ, गए। काफ़ी देर तक के उनकी बहस होती रही एसपी से, और उसके बाद जब लौट के आए तो उनकी आंख में आंसू था, रोने लगे, कहने लगे अनिरुद्ध कल ये गोली चलाएगा, ये एसपी कल गोली चलाएगा, लोगों की जान ले लेगा, मैं असहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर, ऐसा कहकर वो चले गए। उसके बाद मुझे जेल पहुँचा दिया गया। मैं जब पहुंचा तो वहां पर मुझे थाने के पास में एक तुलसियाबाई करके एक महिला ने बताया, उसके हाथ में बच्चा था, कि पुलिस गोली चला रही है, पत्थर चला रही है। तो वर्दी वाले पुलिस नीचे थे तहसील के सामने,
देखते देखते ऊपर चढ़ गया छत पे, और बस छत पे से पत्थर मारना चालू करा उनने। तो मैं देख ही रही हूँ कि पत्थर आ रहा ना मालूम किस पे लगे, तो मेरे पे ही लग गई वो पत्थर, इतनी बड़ी गिट्टी, ऐसा देखा तो खून निकल गया। तो मैं मुल्ताई थाने में के सामने ही था, मैं थाने में गया, मैंने पूछा उनसे कि क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अभी बताएंगे कि क्या होता है आंदोलन का मतलब। और जब मैं खड़ा हुआ अपना बोनट के ऊपर, तो एसपी ने जीपी सिंह ने खुद ने मुझे गोली मारी। यहाँ करीबन थे 5,000 से 10,000 किसान। इसके बाद में हम लोग यहाँ देख रहे कलेक्टर की रास्ता, लेकिन कलेक्टर नहीं आया, और अचानक से आवाज़ आई और धड़ाधड़ गोली चालू हो गई। सरकार ने किसानों से बातचीत करने के बजाय दमन का रास्ता अपनाया। किसान आंदोलन को कुचलने और किसानों को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस सरकार ने गोली चालन का षड्यंत्र किया। 12 जनवरी 1998 को 2.5 घंटे तक गोलियां चलाई गईं, जिसमें 24 किसान शहीद हुए, 150 किसानों को गोली लगी। सभी ने एक स्वर में इस नरसंहार की निंदा करते हुए इसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से की थी। दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की चौतरफा मांग होने लगी। किसी प्रकार से कोई सायरन नहीं, वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम से गोलियां चलने लगी। हम यहां आए तो यहां उसी दिन 11:30 बजे से काशीराम की भी जनसभा थी, जो बीएसपी के थे, बीएसपी के प्रमुख। जैसे गए हम देखने लगे, भाई अब नीचे से नहीं दिखते थे, ऐसे चढ़े ऊपर, वो सराय नहीं बने, बस स्टेशन पे वाहन चढ़े और देखे तो जब जब गोली बारिश हो रही, जब जब पत्थर भी मार रहे, गोली भी चल रही। सब बाहर खड़े थे, अंदर पूरे पुलिस थे, और उसके बाद में ऊपर से भी गोली चली है। हाँ, पीआई और पुलिस वाले नीचे थे, उनने गोली चलाई, हॉस्पिटल में घुस के गोली चलाई है, ये हॉस्पिटल का जो प्रांगण है ना, इसमें भी गोली चली है। मेरे को गोली नहीं लगा, मेरे आसपास के दो लोग जो मेरे साथ खड़े थे बोनट के ऊपर, वो दोनों लोग गिर गए। हाँ, मैंने देखा ना। क्या देखा? उसने ही गोली मारी, ये हाथ एसपी ने। हाँ, मेरे को गोली लगी है ना, ये देखो ना। उनको उठा करके मैंने तुरंत, सामने अस्पताल था, मुश्किल से 25 मीटर के ऊपर अस्पताल था, वहाँ पर उन्हें जीप में डाल करके लेकर के गए। तो पुलिस पीछे आई, उन्होंने फायरिंग जारी रखी, 2.5 घंटे तक फायरिंग की। थोड़ी देर के लिए फिर फायरिंग रुकी, फिर मतलब आवाज़ हमको रुकी है। फिर हमारे यहाँ भैया थे, वो बाहर निकले, बाहर निकलते यहाँ से जाए 10 कदम है दूरी पे गए, उधर से एक सरदार जी आए, अपने पुलिस वाले थे वो, उनने सीधा फायर किया, तो दो बार फायर किया उनको, तो दो बार फायर किया, तो वो भगते भगते मतलब यहाँ तक क्या, और यहाँ से भी सीधा, जैसे ही उनको मैंने देखा कि पेट मतलब खून वगैरह करके, मैंने कच्ची दुकान था हमारे पीछे, पटिया तोड़ के फिर भाग गया पीछे। आधे पौन घंटे बाद में देखा तो वहाँ गली में पड़े थे वो। लेकिन वहाँ की जो नर्स थी और जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मुझको एक रूम के अंदर बंद कर दिया, और क्योंकि वो एक प्रसूति वार्ड था, महिलाओं का वार्ड था, तो उसमें कोई के आने का सवाल नहीं था। फिर शहर में कर्फ्यू लग गया, 24 किसान मारे गए। ये सब कुछ चलता रहा, फिर शाम को जब अंधेरा हुआ तो मुझको लेकर के एसपी कलेक्टर आए, और वो मेरे को लेकर के थाने में गए। अंधेरा कर दिया गया, पूरे शहर का ब्लैकआउट करा, और फिर हवालात के अंदर जा कर के लगातार मेरे साथ में मारपीट हुई, लात घूसा बेल्ट जूता जो भी कुछ संभव था, जितनी बार होश आता था उतनी बार पीटते थे, कुछ खाने नहीं, पानी नहीं, लगातार 2 दिन तक पीटा। पुलिस लोगों ने ग्राउंड में दौड़ दौड़ के गोली चलाई, मेरे को गोली लगी, और क्रिकेट खेल रहे थे ऋषि कुमार साहू, उसको वहीं पे एक्सपायर हो गया, ऊपर से गोलियां चलाई, मेरे भी पैर में गोलियां लगी। हाँ, दर्द होता है ना, अभी भी दर्द, हाँ, होता, दर्द होता है, नीचे नहीं बैठ सकता हूँ, खटिया पे ही बैठता हूँ, खेती का काम नहीं कर सकता हूँ। खाने पीने तरल पदार्थ खा रहा हूँ, दाल दलिया।
कड़क वाला नहीं, पानी जैसे कोई भी चीज खा सकता हूँ। और बच्चे को गोली लगी, बड़ा भाई बाबूलाल हुए, अच्छा उसको उठाने गया, उसके भी पीठ पर गोली लगी, दोनों एक जगह शहीद हो गए। ग्यारहवीं पढ़ा था, 12 जनवरी को ये हो गया, कोई स्कूल गया था वहाँ पे ये ऐसा हो गया तो आए नहीं होगा। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाओ लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरत है, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें। शरद यादव जी आए जो कैबिनेट मंत्री थे, और उन्होंने आकर के जेल का भी मुआयना किया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें मेरे बारे में जानकारी नहीं दी, क्योंकि मुझे एनकाउंटर करना चाहते थे। मुझे लेकर के गए रात के समय पारेगांव रोड के ऊपर, वहाँ पर एक झाड़ियों के अंदर डाला और हाथ बांध के रखे, और उसमें राइफल के साथ में फ़ोटो खिंचाए, और फिर यह है कि फायरिंग करेगा तो फायरिंग कौन करेगा तो, और इसलिए वो कह रहे थे कि जो IG साहब आए हैं, जो एनकाउंटर का जिन्होंने आदेश दिया है, वो खुद ही आकर के एनकाउंटर करें, हम फंसने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए फिर मुझको बेहोशी की हालत में वापस ले गए, फिर हवालात में रखा, अगले दिन पेश किया रघुवंशी जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने, बेड़ी के अंदर पेश किया, पूरे शरीर में खून बह रहा था, और एक पुलिस वैन उन्होंने बुलवाई, और पुलिस वैन के अंदर लॉक करके सील करके और ये आदेश दे करके कि इस लॉक को सीधे खोला जाए भोपाल जेल के जेलर के द्वारा, उन्होंने मुझको कहा कि जो है मैं ये सब काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझको लगता है कि रास्ते में आपका एनकाउंटर कर सकते हैं। खैर भोपाल पहुँचा, भोपाल के अंदर 7 ताले का जेल जिसे बोलते हैं, फांसी जिन लोगों को दी जाती है उन्हें एक स्पेशल सेल में रखा जाता है, उस सेल के अंदर मुझे रखा, 3 महीने तक लगातार रखा। सरकार ने 250 किसानों पर 67 फर्जी मुकदमे लाद दिए। हम तो घर पे थे, ताला तोड़ दिया और घुस गई, उसने 70-80 लाख ले ली, और उन्होंने फिर हमको घर से बुलाया और बोले ये पिस्तौल डॉक्टर की है, उन्होंने कहा भाई डॉक्टर की, हमारी लाश तो बंद थी, देखे हमारे बिस्तर वगैरह सब बिखरे थे, और एक तस्की के नीचे पिस्तौल निकाली उन्होंने और 2 झूठे गवाह बना दिए। मुझे भी कहा कि आपको झूठे गवाह देने पड़ेगी, मैंने मना किया तो मेरा भी नाम 302 में डाल दिया। 2 केस है, डकैती, आगजनी, हत्या और जन आंदोलन के, हम पे 10-10 हज़ार रुपये फाइन भी किया था 2 लोगों पे, 2 साथियों पे, और मेरे को खुद को लगी एक लाठी और एक गोली, जेल जाना पड़ा। हाँ 15 दिन में पेशी आती है, जाओ 50 रुपये खर्चे करो, ये अब आँख में नहीं दिखता, चलना फिरना होता नहीं, और परेशानी नहीं तो बाद में तो छोड़ देते, फिर पकड़ के लाए। और जिन्होंने गोली मारी उस पर इन लोगों ने किसी ने भी मुकदमा दायर नहीं किया गया, हमारा किसी की भी सुनी नहीं, इन लोगों ने मुकदमा दायर होना था, पुलिस वाले पे मुकदमा चलना था, तो ये किसी ने नहीं चलाया। गोली चलन के तुरंत बाद सुभाष यादव जो उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और जो कांग्रेस कमेटी की ओर से बलराम जाखड़ जी जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे और कृषि मंत्री थे देश के, राम नरेश यादव जी जो कि जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, ये लोग कांग्रेस कमेटी की तरफ से आए जांच करने के लिए, और इन तीनों लोगों ने जांच का ये प्रतिवेदन दिया जिसमें इन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी जो है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए, लेकिन सरकार ने केवल SP और कलेक्टर को सस्पेंड करने का काम किया, और बाद में उनका सस्पेंशन भी रिवोक कर दिया गया। उस समय जो है वो मेधा पाटकर जी ने हाईकोर्ट के अंदर रिट की थी, हम चाहते थे कि CBI जो है वो इसकी जांच करे और दोषी जो पुलिस अधिकारी हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इनको जो कंपनसेशन है जो लोगों को वो उस समय 10 लाख रुपये मिलना चाहिए, इस तरीके का था, लेकिन हाईकोर्ट से हमको कुछ
रिलीफ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, एक रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिली, कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिला। थाना में पे कुछ रिपोर्ट नहीं, ना कुछ नहीं लिया, तो बोले उसका कुछ नहीं होगी, बोले पैसे मिल जाए तुमको और कुछ नहीं होगी बोले। और यहाँ पर ऐसा वातावरण बनाया कि डॉक्टर सुनम ने इतने लोगों को मरवा दिया है, और कोर्ट के अंदर कहा जाता रहा कि डॉक्टर सुनम को अगर छोड़ा गया तो उसको लोग जिंदा जला देंगे, मुल्ताई के लोग, इसलिए हम जमानत इसकी नहीं चाहते। खैर जमानत हुई, मेरे को ये धमकाया गया कि अगर मैं मुल्ताई वापस गया तो जिंदा जला देंगे मुझको लोग, लेकिन मैं जेल से सीधा मुल्ताई आया। यहाँ पर किसानों ने महापंचायतों का सिलसिला चालू कर दिया था, सुरेंद्र मोहन जी यहाँ पर लगातार आते रहे और उन्होंने ही एक तरीके से इस किसान संघर्ष समिति को जीवित यहाँ पर रखने का काम किया। मुझे याद है कि उस समय जब महापंचायतें होती थी तो जो भी आता था महापंचायत में उसको के साथ पुलिस मारपीट करती थी, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे बनाती थी, उनको गिरफ्तार करने का काम करती थी। उनका कहना है कि अपने पर भरोसा है लेकिन मुल्ताई के लोगों पर भरोसा नहीं है, और गुंडों के ऊपर कोई रोक नहीं है, मुल्ताई के ऊपर भरोसा नहीं है का मतलब यह है कि मुल्ताई के जो गुंडे हैं वो पुलिस से और कानून से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि आप उन्हें प्रश्रय देने का काम करते हो। हाँ, जब गोलीकांड हुआ उसके 3 महीने बाद मैंने गोलीकांड का आल्हा स्वरूप कहानी बनाया, तो उस कहानी को मैं गाता था हर 12 तारीख के हर माह की किसान महापंचायत में। तो पुलिस की फोर्स वहाँ बहुत होती थी और फोटो वोटो लेती थी, तो उन लोगों ने उसके आधार पे मेरे पे केस लगाया क्योंकि मैं गोलीकांड का आल्हा लिखा। सुना जाने क्या होएगा वहां पर जाकर खेल, मुल्ताई नगर में देखिए हुआ अनोखा मेल, तो नफरत के सोले चले चले जंग की तीर, किसानों के दमन की क्या सोची तदबीर। तो मुझे तो 1 साल तक मालूम भी नहीं पड़ा कि मैं गोलीकांड का मूलजी हूँ, क्योंकि वास्तविक रूप से मैं किसान संघर्ष समिति के इस ओलावृष्टि के आंदोलन में शामिल ही नहीं था। लेकिन किसान घबराया नहीं, पीछे नहीं हटा। किसानों ने हर माह की 12 तारीख को महापंचायत करने का सिलसिला शुरू किया और हर साल 12 जनवरी को शहीदों की स्मृति में शहीद किसान स्मृति सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे। किसानों पर अत्याचार हुआ तब झंडा हमने हाथ लिया, किसानों पर अत्याचार हुआ तब झंडा हमने हाथ लिया, किसानों पर अत्याचार हुआ तब झंडा हमने हाथ लिया। अहंकार है, दुनिया भर का अहंकार है, रावण जैसा अहंकार है, इसी को शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित करना समझेंगे। जब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद करके खड़ा हो जाएगा अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, अपने जनसत्तात्मक अधिकारों के लिए। और जैसे संज्ञा दी गई कि एक जलियांवाला बाग की तरह हुआ, वैसा ही लग जाए। किसान यहाँ जिस उद्देश्य के लिए शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आता हूं ताकि वो जख्म जिंदा रहे और उन सवालों का हल निकले। देश के किसान आंदोलन के लिए मुल्ताई एक तीर्थ है। एक उस समय न्यायिक आयोग बना और वो न्यायिक आयोग पीसी अग्रवाल जी की अध्यक्षता के अंदर बना, वो जिला सत्र न्यायाधीश थे सागर के। हमने कहा कि ये जाँच अगर होनी हो तो मुल्ताई में होनी चाहिए, लेकिन वो जाँच पहले जबलपुर से कर रहे थे, फिर जब निर्देशित किया गया तब फिर उन्होंने वो जांच करने का काम जो है बैतूल से किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिसने न्यायिक जांच की वो पीसी अग्रवाल जी जो हाईकोर्ट के अभी जस्टिस हैं, वो आज तक कभी मुल्ताई आए नहीं, यहाँ पर किसानों से कभी उन्होंने बात की नहीं। वो रिपोर्ट उन्होंने जब दी उसके बाद में वो टेबल होने का काम नहीं हुआ। मानवाधिकार आयोग में गए, मानवाधिकार आयोग ने मुझको सिक्योरिटी देने का काम का निर्देश मुझको दिया। मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर 24 मार्च 1998 को चर्चा हुई, ये चर्चा
100 पृष्ठों के अंदर है। इस चर्चा के अंदर अभी जो 10 मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, पिछले 10 साल से जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन सब लोगों ने इसके लिए कांग्रेस को दोषी माना, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात की, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते रहे। किसानों की जो मूल समस्या थी वो समस्या थी किसानों को मुआवजा देने की, लागत से दुगना मुआवजा दिया जाए और सोयाबीन का जो गेरुआ रोग था उसे प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, किसानों की कर्जा माफी की जाए। सन 98 की बात है, गोली चालन हुआ था, आपदा सुनाई हमने लो होकर, आपदा सुनाई हमने लो होकर, आपदा सुनाई थी हमने लो होकर, आपदा सुनाई थी हमने लो होकर, रोटी के बदले तुमने गोली देकर, लेकिन ये मानता हूँ कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम इस तरीके का था कि पहले स्टेट ने अपना पावर दिखाया, स्टेट ने अपना पावर दिखाया, फायर पावर दिखाया, गोली चालन किया, 24 किसानों की हत्या की। इसके बाद किसानों ने अपनी ताकत दिखाई, उन्होंने महापंचायत में फैसला करके मुझे निर्दलीय विधायक बनाया, साधनहीनता में चुनाव लड़ा और उसके बाद में जब नतीजा आया तो मुझे 50% वोट मिले। हम लोगों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले देश भर के जन संगठनों के साथ में मिलकर के आंदोलन पूरे देश में चलाने का काम किया, हमको उसमें सफलताएं भी मिली। देश में पहली बार फसल बीमा का पैसा बैतूल जिले के अंदर 2 करोड़ रुपए गोली चालन के बाद बटा। देश के अंदर पहली बार हमने चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त करने का मसला उठाया था, उस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह जी थे, देवेगौड़ा जी थे, और आज ये स्थिति बनी है कि जो अल्पकालीन ऋण किसानों को मिलते हैं उसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त हो चुका है। हमने तहसील की इकाई को बदलने का जो मुद्दा रखा था उसका परिणाम ये हुआ कि पटवारी हल्के को सरकार को इकाई करना पड़ा। कर्जा माफ़ी भी एक बार हुई, 10,000 रुपये का कर्जा माफ़ी का काम हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर एक बार बिजली बिल माफ़ी का भी निर्णय हुआ और सोयाबीन के अंदर गेरुआ रोग को जो है और इल्ली के प्रकोप को जो है वो शामिल किया गया राजस्व आचार संहिता में। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो सोसिस इंटरनेशनल है, सोसिस इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट थे वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे पियरे मुरवा, उन्होंने और लुइस एयाला जो सेक्रेटरी जनरल थे, आज भी सेक्रेटरी जनरल हैं सोसिस इंटरनेशनल की, दुनिया के 60 मुल्कों के अंदर सरकारें हैं, उन लोगों ने इस इशू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में टेकअप किया और जो फायरिंग हुआ था उसके और जो फैब्रिकेटेड केसेस लगाए गए थे इसका प्रोटेस्ट करने का काम वहां पर हुआ। उमा भारती ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज सभी फर्जी मुकदमे वापस लेने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के कर्मियों के खिलाफ दर्ज 1,76,000 मुकदमे वापस लिए गए, लेकिन मुलतई गोलीकांड से जुड़ा एक भी मुकदमा वापस नहीं किया गया। दूसरी बार फिर उन्होंने ताकत दिखाई और तीसरी बार फिर ये हुआ, उन्हें समझ में आ गया कि डॉक्टर सुनीलम से इस तरीके से नहीं निपटा जा सकता, तो फिर उन्होंने इस क्षेत्र का परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया, इसके अंदर एक विशेष जाति के लोगों को जोड़ करके उसके एक नेता को विधायक बनाने के लिए कमलनाथ ने साजिश की, 3 करोड़ रुपया खर्च किया, मैं 5 लाख रुपये से चुनाव लड़ा और इसलिए सब कुछ खरीदने का काम हो गया, जात चलाने का काम हुआ, दारू बटी सब कुछ हुआ,
तो जातिवादी और पूंजीवादी ताकतों ने मिलकर के किसानों की एकता को तोड़ने का काम किया और उसके चलते डिलिमिटेशन के बाद में मैं चुनाव हारा। लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहा और हमारा आंदोलन मुख्य तौर पर छिंदवाड़ा के अंदर चला। पेच व्यपवर्धन परियोजना और अदानी पेच पावर प्रोजेक्ट के जो प्रभावित किसान थे वो मेरे पास में आए। मैंने देखा कि वहाँ पर जो है 10-10 हज़ार रुपये एकड़ के अंदर किसानों की ज़मीनें ली जा रही हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है। सरकार घबरा गई, सरकार को लगा कि यहाँ पर भी हम जो है जो लैंड एक्विजिशन करना चाहते हैं, भू अधिग्रहण करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और वहाँ पर जिस तरीके का अडानी ने रास्तों पर, कुओं पर कब्जा किया, जिस तरीके से फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा करके 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई, जिस तरीके से शिकायत करके हमने उस बिल्डिंग को तोड़वाने का आदेश करने के लिए सरकार को मजबूर किया, अडानी के पीआरओ ने खुद मेरे पास में आकर के मेरे को पूरा छिंदवाड़ा का चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा खर्च होगा वो देने का ऑफ़र किया। मैं कभी मीडिएशन की बातचीत करता नहीं हूँ, और जब ऑफ़र नहीं मांगा और उस ऑफ़र की जानकारी मैंने किसानों को दे दी। मैंने कहा कि भाई अडानी इतना करोड़ रुपया देना चाहता है, आप चाहो तो आप बार्गेन करो, क्योंकि आपकी ज़मीन है। मैं तो कोई दलाली करता नहीं हूँ। किसानों ने भी स्पष्ट मना किया, हालांकि किसानों को 1-1 लाख रुपए प्रति एकड़ उनके घर जा करके वैसे ही बांट दिया अडानी ने, केवल इसलिए बांट दिया ताकि उसके खिलाफ में लड़ने का काम ना करे। फिर अडानी ने हमला कराया, मेरा और मेरे वकील का हाथ फ्रैक्चर हुआ, सिर में टांके आए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि SP को खुद मेरे द्वारा 3 बार बताए जाने के बाद में भी पुलिस से तब पहुंची जब ये अफवाह फैल गई कि मेरी और वकील की लाश पड़ी हुई है खेत के अंदर, तब जाकर के पुलिस वहां पर पहुंची। 10 किलोमीटर का रास्ता पुलिस ने 2.5 घंटे में तय किया, और जो रिपोर्ट दर्ज की वो मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की। 24 किसान मारे गए, 150 किसान घायल हुए और 250 किसानों पर फर्जी मुकदमा बनाया गया। एक ही घटना के 67 केस बनाए गए थे, जिसमें से 3 केस में सजा हुई। एक केस है इसमें जो TI था, टाउन इंस्पेक्टर, उसने कहा कि डॉक्टर सुनीलम ने और साथियों ने हमारी राइफल छीनी और राइफल के बट से मारा। डॉक्टर सुनीलम ने फायर करके राइफल चलाया और लोगों की हत्याएं की। वस्तुतः डॉक्टर सुनीलम के पास किसी प्रकार की कोई राइफल नहीं थी, ये जजमेंट में ये लिखा। दूसरा केस बना है 278/06, जिसमें सरनाम सिंह करके SI है, जिसने न्यायालय के अंदर भी ये बात कही कि अदालत में उपस्थित किसी भी आरोपी ने मुझको नहीं मारा, और डॉक्टर ने कहा सभी चोटें साधारण हैं, उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा 7 साल की सजा सुनाई गई। ये दोनों मामलों में स्थिति ये थी कि एक में 7 लोगों को मुलजिम बनाया था, एक में 5 लोगों को मुलजिम बनाया था, और एक में 2 मृतक जो थे जिनको गोली चलने में मार डाला गया था उन्हीं को ही आरोपी बना दिया गया। जहां तक धारा 144 का आदेश दिए जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में ऐसा कोई आदेश स्थगित प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही इसके संबंध में किसी की साक्ष्य कराई गई है। अतः ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा इसके अंतर्गत आरोप प्रमाणित नहीं है। नहीं, 144 तो हटा दी गई थी काशीराम जी के आने के कारण। तो ये 144 का जो सिलसिला है ये एक वेपन बन गया है, और हिंदुस्तान में इस वक्त सिविल डिसोबीडियंस जो जन जंगल जमीन के सवाल उठाते हैं उनमें इसी तरह से 144 लगा दी जाती है। और आर्टिकल 19 जो असेंबली का और बोलने का जो अधिकार है वो 144 के जरिए कलेक्टर से 144 लगाया और अदालतों से इसको लेजिटिमाइज कराया, ये सिलसिला चल रहा है। धीर सिंह उसका ये मामला है 280 वाला, जिसमें 10 लोगों को मुलजिम बनाया है, 3 लोगों को सजा दी है। इसमें मुख्य बात है डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युपूर्ण बयान। उक्त मृत्युकाली कथन सीताराम बागदरे, अभियोजन साक्षी 3 और सुरेश नामदेव के समक्ष लेख किए गए, लेकिन सीताराम और सुरेश ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की और
उनका कहना है कि धीर सिंह के द्वारा उस समय उनके समक्ष कुछ भी नहीं बताया गया था। यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि घायल धीर सिंह हस्ताक्षर करने की स्थिति में मैं नहीं था, तो उसके हाथ और पैर के अंगूठे के निशान भी अंकित किए जाने थे। जब वहाँ पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन विवेचना अधिकारी के द्वारा ऐसा भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर तिवारी के द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि धीर सिंह को चोटें कहाँ कहाँ पर थी, उस समय होश में था या नहीं था। उसके द्वारा मृतक धीर सिंह का किसी भी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया गया था या नहीं। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में मृतक धीर सिंह की मृत्यु के कारण के विषय में किया गया कथन एक रहस्यमय आवरण अपने आसपास निर्मित करता है। इसके अतिरिक्त एसआई उषा धाकर मृतक धीर सिंह को अस्पताल लेकर गई, लेकिन उसे कहां पर छोड़ा इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मृतक धीर सिंह द्वारा दिए गए मृत्यु कालिक कथन एकाकी तौर पर विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इधर विधर करने के लिए गोली चलाई, अगर क्या उस समय शायद गोली नहीं चलाते तो और भी अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। स्वतंत्र गवाहों ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है, सिर्फ पुलिस वाले जो प्रार्थी थे, है ना, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी उन्हीं ने ही गवाही दी। किसान तो 15-20 साल बिल्कुल थे उस फायरिंग के कार्यालय के आसपास, किसान गवाही नहीं, एक भी किसान गवाही नहीं था। एक भी किसान गवाही नहीं था। अच्छा, कोर्ट में लिखा हुआ है, अभी जज ने बोला कि इसके बयान लिखो सहदेव। स्वतंत्र जो साक्ष्य आए न्यायालय में, उन पर माननीय न्यायालय जो थे उस समय तत्कालीन, उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। अब सजा का जहां तक सवाल आता है, छिंदवाड़ा में हम लोग अदानी पावर प्लांट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें डॉक्टर सुनीलम जी नेतृत्व करने के लिए जाते हैं। जो भी लोग छिंदवाड़ा में आंदोलन के लिए गए उन सबके खिलाफ मुकदमा बनाया गया। मेरे ऊपर भी जलाबदर की कार्रवाई चल रही है, मुझ पर केस चल रहे हैं, मेधा पाटकर जी आई उनके ऊपर केस चल रहे हैं। मैं अलग दिखा रहा कोर्ट में, तो मर्डर केस का कारण दिखा रहा और वो भी एसपी झूठ बोल रहा, फिर 4 महीने मतलब जेल, आजीवन कारावास हो गया, तो 4 महीने में जेल काटा, जेल की सजा। 307 और अन्य एक मामले में मुझे जो है 7-7 साल की, 7.5-7 साल की यानी 15 वर्ष की मुझे कारावास हुई है और 5,000 रुपया जुर्माना भी हुआ है। अधर्म कारावास और 8,500 जुर्माना। जो किसान थे वो अपनी मांग को लेकर आए थे और उन्होंने आंदोलन किया, तो जो शासन के अगेंस्ट थे, पुलिस के अगेंस्ट थे, एसडीएम के अगेंस्ट थे, तो वो गवाह क्यों देंगे, उनको गवाह क्यों लेंगे। सजा के माध्यम से ये संदेश देने का काम किया गया। एक संदेश शासन सरकार उस समय देना चाहता था जब गोली चालन किया था, जिसका मकसद था किसानों को टेररिज करना, उनके अंदर आतंक फैलाना, और कोई नेतृत्व करने के लिए आगे ना आए इस बात को लोगों के बीच में पहुंचाना। और सजा देने का भी यही मकसद रहा है कि अगर डॉक्टर सुनीलम जैसा व्यक्ति, जिसे देश और दुनिया में लोग जानते हैं, 50-60% वोट उसे क्षेत्र के लोग देते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर हम फर्जी केस बना करके, फर्जी गवाही करा करके अगर सजा कराने का काम कर सकते हैं। मेरे को तो उम्मीद यह है कि शायद जज भी बिक गया हो। और क्या बोलूं मैं इससे ज्यादा। एसपीओ कलेक्टर को सस्पेंड करने का काम किया और बाद में उनका सस्पेंशन भी रिवोक कर दिया गया और आज वो बहुत उच्च पदों के ऊपर, जो मतलब स्टेट लेवल के अंदर ब्यूरोक्रेसी के जो सबसे उच्च पद होते हैं उसके ऊपर वो आज विराजमान है, जबकि उनकी जगह जेल के अंदर थी, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना था। ऐसा हर केसों में नहीं होता है, जहां लेकिन इंटरेस्ट जहां शासन का हो पर्सनल, वहां पर थोड़ा बहुत झुकाव देखने में न्यायालय का आता है। How do we explain, how does the police in the state explain the death of 24 people? 14 years have taken place since 1998. No justice has been done. On behalf of the POCL, as also other human rights bodies, we demand, even though it is 14 years late, nevertheless, there is a duty cast on the government to register an FIR and to do an independent investigation on the death of the farmers. आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं उनके धारा 302 का इस्तेमाल किया गया आजादी के बाद, आज आम हो गया आंदोलन में, मूवमेंट में जो लोग लीड करते हैं उनमें 302 और 307 के मुकदमे बना के उनको टेररिज और प्रेसराइज किया जा रहा है। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग फार्मर्स को कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा,
कोई पुलिस के अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कोई वहाँ उनको खतरा नहीं था इलीगल डिसऑर्डर का। गोली चली है, 24 आदमी मर गए, उस वक्त 147 भी नहीं लगी हुई थी, सो इट वॉज इलीगल असेंबली। और दोनों पार्टियाँ जो कांग्रेस और बीजेपी है उनकी इतनी मिली भगत है कि उस वक्त तो कांग्रेस दिग्विजय साहब चीफ मिनिस्टर थे और जो आज बीजेपी है वो उसको उस पर चला रही है। तो वहाँ जो चला सिर्फ यही नहीं फार्मर्स का, उनको यह है कि वो ज़मीन लेके वो किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस को देना चाहते हैं। जहाँ पब्लिक की मांग है वो ये है कि किसान साल से वहाँ लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए, उसकी ज़मीन छीनी जा रही है कॉरपोरेट हाउसेज को देने के लिए। 24 आदमी फार्मर्स को गोली लग के मरे हैं, ये आपका है, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। और लॉ ये है कि जब भी अगर पुलिस कहे कि हमने अपने बचाव में भी गोली मारी तब भी FIR रजिस्टर होनी चाहिए, उनकी छानबीन होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए बताने के लिए कि किन सर्कमस्टेंसेस में हमने किया। द इशू इज दैट देयर आर हायर लेवल्स ऑफ कोर्ट इन व्हिच अ मिस्टेक डन बाय अ लोअर कोर्ट कैन बी करेक्टेड एट द हायर कोर्ट। द इशू स्टिल रिमेंस। डॉक्टर सुनीलम वुड हैव स्पेंट सेवरल मंथ्स और सेवरल इयर्स इन जेल। इफ 5 इयर्स आफ्टर बीइंग इन जेल the higher court say the entire case was fabricated, what is the justice to be done to Dr. Sunilam and many other people like him who are becoming victims of state lawlessness? देश में आंदोलन, दमन, फर्जी मुकदमे और गोली चालन का सिलसिला न तो मुलतई से शुरू हुआ और न ही मुलतई में खत्म हुआ। 68 साल में आजादी के बाद 80,000 जन आंदोलनकारियों की मौत हुई, जो निहत्थे थे, जो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपना हिस्सा मांग रहे थे, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे। कातिल आज भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। शहीदों की प्रेरणा से इंसाफ की जंग जारी है। हम मुलतई के शहीदों को आज छिंदवाड़ा से और कल मुलतई से याद करने वाले हैं, सलाम करने वाले हैं और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो किसानों की बात आज फिर से उभर कर आई है। अरे मिट गई रे सब माटी में किसानी, हाय हाय रे सब माटी में किसानी। मिट गई रे सब माटी में किसानी, हाय हाय रे सब माटी में किसानी। 58 बरस से आजादी पाई, 58 बरस से आजादी पाई, नहीं किसने समझा किसान को भाई, नहीं किसने समझा किसानों को भाई। अरे बलि का बकरा बना दियो रे मेरे किसान भाई, हाय हाय।